राजकीय बाल शिशु सदन के मासूम बच्चों पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। यहाँ खतरा बनी है वो बंदर सेना, जो खाने के लालच में कभी भी आफत बन सकती है, लेकिन किसी का भी इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं है। जरा गौर से देखिए इस दृश्य को। ये दृश्य राजकीय बाल शिशु सदन का है, जहाँ शिशु सदन की छत पर बंदरों की मौजूदगी एक नए खतरे का आगाज करती नजर आ रही है। गौरतलब है कि ठंड के चलते धूप निकलने पर शिशु सदन कर्मचारी छोटे छोटे बच्चों को शिशु सदन के आंगन में ले आते हैं। यहाँ दुधमुहे बच्चे पलंग पर धूप लेते हैं, तो वहीं कुछ बड़े बच्चे शिशु सदन के परिसर में खेलते हैं और खाते हैं। कुछ सामाजिक संगठन भी इन मासूमों को खाने पीने की चीजें दे जाते हैं। यहाँ बच्चों को खाता पीता देखकर बंदरों का एक समूह पिछले काफी समय से सक्रिय हो गया है। ये बंदर बस इसी ताक में रहते हैं कि बच्चों के हाथों में कुछ खाने का सामान हो तो ले उड़ें। हालांकि बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ आया भी रहती हैं, परंतु आप जानते हैं कि बंदर तो आखिर बंदर होते हैं। ये वही बंदर हैं जो अपनी खातिर इंसान को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। ऐसे में इन मासूम बच्चों को खतरा ना हो, इसकी क्या गारंटी है? इस बारे में बच्चों को फल वितरित करने आए एक समाज सेवी ने मंच न्यूज को जानकारी दी। एक चीज यहाँ देखी गई, आप तो अच्छा कार्य करने आए, लेकिन यहाँ बंदरों का प्रकोप बहुत ज्यादा है। जी सर, बंदरों का तो सब जैसा है ना कि पूरे नगर वृंदावन बंदरों का तो प्रकोप है ही। लेकिन यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, खाना बंदर सामान आता है उनके हाथ में उछना के ले जाते हैं, छीन ले जाते हैं बच्चे। अब तो इन लोगों ने सुरक्षा कर रखी है, उसके लिए सुरक्षा के लिए आवश्यकता है। थोड़े जो और जाल वगैरह लगे इसमें, इसमें जाल लगनी चाहिए वैसे। जाल लग जाए ऊपर, जैसे बंदर नीचे ना आए। जब आप वितरित कर रहे थे फल, तो बंदरों का काफी था। वो तो आप लोग थे नहीं, तो फिर बंदर छीन के ले जाते, बच्चों छीन के ले जाते और दिक्कत हो जाती है। देने की जगह और लेने देने पड़ जाते।